यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की परेशानी पर अब अभय चौटाला ने भी बयान दिया है। लड़ाई के बीच हमारे देश के 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, ये कहना है अभय चौटाला का। साथ ही सरकार पर भी खूब निशाना साधा है अभय चौटाला ने। ये भी मौका उन्हें मिला था तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और सीधा राजनीतिक वार किया सरकार पर। लड़ाई के बीच हमारे देश के 20,000 छात्र फंसे हुए हैं, अभय चौटाला का यह बयान है। और साथ ही अगली बात उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कही कि समय रहते छात्रों को वापस बुलाना सरकार की जिम्मेदारी थी, अभय चौटाला की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के भी हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, उनको सरकार जल्द वापस लाए, ये तो अपील हम भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते कि अभय चौटाला ने क्या कहा था विस्तार से। रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करेगा, हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती थी देश के प्रधानमंत्री जी की कि समय रहते उन सब बच्चों को वहां से या तो वापस इंडिया बुलाना चाहिए था या उनको किसी सुरक्षित स्थान पे दूसरी कंट्री में किसी से बात करके वहां उनको शरण दिलवानी चाहिए थी। उसमें हरियाणा प्रदेश के 6200 बच्चे हैं, जिसमें 700 अकेले करनाल के हैं, बाकी अलग अलग जिलों के हैं। अब मुख्यमंत्री जी टोल फ्री नंबर देते हैं कि हमारे से संपर्क करो, अब तो उनको वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, ना तो कोई हवाई मार्ग है वहाँ से, ना कोई और किसी रास्ते से उनको निकाला जा सकता। इसके लिए समय रहते इनको पहले से उनको निकालना चाहिए था। अब भी देश के लेवल पे हमारे मुख्यमंत्री को विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके उन बच्चों को किसी तरीके से सुरक्षित वहाँ से निकालना चाहिए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उसके साथ साथ पेंशन की बात मुख्यमंत्री ने करी,